स्कूल स्टूडेंट बनी खतरनाक जोखिना। सुनसान अंधेरी रात में, रात के 2 बजे के सन्नाटे में एक लड़की डरते डरते कब्रिस्तान की तरफ जा रही होती है। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था, तभी अचानक से कुछ अजीब से पक्षी उसके ऊपर से चीखते हुए गुजरते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की डरते डरते कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। तभी कब्रिस्तान में कोई अजीब सी आवाज में कोई औरत जोर जोर से रो रही होती है। कौन है वहाँ, कौन है? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। क्या हुआ दीदी, तुम कौन हो और इतनी रात हुए इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? दीदी, ये कब्रिस्तान ही तो मेरा घर है। क्या मतलब? अरे दीदी, मेरे बाबा इस कब्रिस्तान की देखरेख करते हैं, यही पास ही मेरा घर है। लेकिन दीदी, ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप जल्दी से यहाँ से अपने घर चले जाइए। हाँ हाँ। उसके बाद वो लड़की जल्दी से अपने साथ लाए सामान वही कब्रिस्तान के जमीन के नीचे गाड़ देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तुम न मिलती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, पता नहीं अब तक मेरा क्या हुआ होता। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है और कब्रिस्तान में खड़ी लड़की अचानक वहीं से गायब हो जाती है। इधर उसका पति घर के बालकनी में सिगरेट पीते हुए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। तुलसी, आ गई तुम? तभी वो लड़की गुस्से में बेड पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ आ गई मैं, वो भी पूरा जिंदा। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जावेद, तंग आ गई हूँ मैं माँ जी की ये फालतू के टोने टोटके से। ऐसा तो मैंने आज तक कहीं और होते हुए नहीं देखा, भला इतनी रात को वो भी कब्रिस्तान के बीच पोटली को गाड़ने के लिए कौन कहता है? अगर उस कब्रिस्तान में मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो? तोबा तोबा, ऐसे आम मुबारक बातें कैसे कर रही हो? आखिर माँ ये सब हमारे और हमारे आने वाले बच्चे के भले के लिए ही तो कर रही है। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन ये बस आखिरी ही रस्म है जो मैंने जैसे तैसे करके कर दी। आगे से माँ जी ने मुझसे अगर कोई भी वाहियात रस्म करवाई ना, तो फिर देखना मैं न जाने क्या कर बैठूंगी। इतना बोलकर तुलसी गुस्से में सो जाती है। तुलसी और जावेद दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उनके घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन बावजूद इसके दोनों ने लव मैरिज कर ली। कुछ दिनों बाद घर वाले मान गए और तुलसी को अपना लिया। उसकी सास रजिया तुलसी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे के खातिर वो उसके साथ प्यार का दिखावा किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और फिर वो समय भी आ गया जब तुलसी को लेवर पेन स्टार्ट हो गया। आह जावेद, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आह जावेद दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया, वहाँ उसकी बहन रुखसाना भी बैठी थी। माँ, मैं तुलसी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुक जा, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने उसका पहले ही बंदोबस्त कर दिया है। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। रजिया उस बूढ़ी औरत को तुलसी के कमरे में भेज देती है। अरे आज तो हमारे खानदान का वारिस आने वाला है, मेरा पोता आने वाला है, मैं तो पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी। रुखसाना बेटा, मिठाई का ऑर्डर दे। माँ, मैंने तो आपके कहने से पहले ही मिठाई का ऑर्डर दे दिया है। तभी वो बूढ़ी औरत अंदर से एक लड़की को हाथ में लिए बाहर आती है। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर जावेद बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी बेटी को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। लेकिन रजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? रुखसाना, क्या तुमने उस दिन वो विधान सही से अपनी भाभी से नहीं कराई थी क्या? माँ, मैंने तो अपने हाथों से उस पोटली को भाभी के पेट से 9 बार घुमाया था, उसके बाद ही भाभी उसे कब्रिस्तान में गाड़ने गई थी। इसका मतलब उस मौलवी ने हमसे झूठ कहा था। चलो अभी उस मौलवी के पास चलते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी सुनसान रात के अंधेरे में उस मौलवी के घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर रुखसाना डर जाती है। माँ, ये लड़की कौन है और ये कैसी हरकत कर रही है? अरे होगी कोई पागल औरत, तुम उस पर ध्यान मत दो और चलो। उसके बाद दोनों माँ बेटी आगे चली जाती है। वे लोग काफी आगे निकल जाते हैं
कि तभी वो लड़की फिर से अचानक उन दोनों के सामने आ जाती है। तुम तो अभी पीछे थी ना, फिर इतनी जल्दी हमसे आगे कैसे आ गई? कौन हो तुम? तभी वो लड़की एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और फिर एक आवाज आती है, जोखिना, मैं हूँ जोखिना। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी वहाँ से जैसे तैसे उल्टे पैर घर आ जाती है और अपने कमरे में आकर, मम्मा वो जोखिना कौन थी माँ? अरे बेटी, अभी ये जरूरी नहीं है कि वो कौन थी, अभी जरूरी ये है आखिर उस विधा को करने के बाद भी तुलसी ने बेटी को कैसे जन्म दिया। उस मौलवी ने तो कहा था कि इस विधा को करने से अगर तुलसी के पेट में बेटी होगी तो वो अपने आप पेट में ही मर जाएगी, और बेटा होगा तो वो सही सलामत इस दुनिया में आएगा। फिर उस मनहूस ने एक बेटी को कैसे जन्म दिया? अब क्या होगा माँ? अब तो हमें तुलसी के बच्चे को अपनाना ही होगा। हरगिज नहीं, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। उस मौलवी की बात झूठी निकली तो क्या हुआ, अब मैं खुद अपने हाथों से उस मनहूस को मार डालूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाती है। अगली सुबह तुलसी खुद ही रजिया के कमरे में आती है। प्रणाम माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? मेरी गुड़िया के होने के बाद आप एक बार भी गुड़िया और मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए मैं खुद ही आपके पास चली आई। ये सुनकर रजिया कहती है, अरे बहू, खेरापुरी गांव में हमारा एक दरगाह है, कहते हैं उसकी काफी ज्यादा मान्यता है। अब तो तुम एक माँ भी बन गई हो, तो क्यों ना हम सब मिलकर वहाँ जाकर चादर चढ़ाएं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है माँ जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। अगले ही दिन सभी लोग कार में बैठकर खेरापुरी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रजिया बार बार उस नन्ही नवजात बच्ची को देखकर मन ही मन उसे कोसे जा रही थी, और तुलसी अपनी बेटी को प्यार भरी निगाहों से प्यार करते हुए ले जा रही थी। तभी रुखसाना को प्यास लगती है और सभी पानी पीने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। अरे तुलसी बहू, काफी देर हो गई है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आखिर कब तक भूखी रहोगी? चलो कुछ खा लो। उसके बाद जावेद तुलसी के लिए खाना ऑर्डर करता है और तुलसी खाना खाने जाने लगती है। तभी रजिया अपनी बेटी रुखसाना को इशारा करती है, लाइए भाभी, गुड़िया को मुझे दे दीजिए और आप आराम से बैठकर खाना खाइए। नहीं नहीं रजिया, मैं एडजस्ट कर लूँगी, तब तक तुम लोग भी कुछ खा लो। भाभी मुझे भूख नहीं है, आप गुड़िया को दे दीजिए और आराम से बैठकर खा लीजिए, मैं तब तक गुड़िया के साथ थोड़ा खेलती हूँ। उसके बाद रुखसाना जबरदस्ती तुलसी के हाथ से गुड़िया को ले लेती है और गुड़िया को खिलाते खिलाते जंगल की तरफ चली जाती है। इधर तुलसी और जावेद खाना खाने लगते हैं। ये सही जगह है, यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर और भेड़ियों की आवाज आ रही है। मैं सबसे कह दूंगी कि गुड़िया को एक भेड़िया मुझसे छीन कर ले गया। उसके बाद रुखसाना उस बच्ची को उसी सुनसान जंगल के बीचों बीच रख देती है। बस थोड़ी देर और बेटा, कुछ ही देर में तुम इन भूखे जानवरों के पेट में जाने वाली हो। रुखसाना इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो पहले भी उसे मिली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो लड़की एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। रुखसाना की तो डर से रूह कांपने लगती है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है, अरे ये तो रुखसाना बेटी की आवाज है। सभी लोग भागते हुए उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कुछ दूरी जमीन पर गुड़िया पड़ी हुई रोए जा रही है। गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? तभी रजिया जोर से चिल्ला उठती है, नहीं रुखसाना, रुखसाना ये क्या हो गया तुम्हें? सामने रुखसाना का बिना सर का बॉडी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी का दिल दहल उठा। रजिया रुखसाना के लाश के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। जावेद और तुलसी भी रोने लगे। वही दूर खड़ी वो लड़की ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ऐसा भागन मनहूस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी का ये हाल हुआ है, मैं अभी से नहीं छोड़ूंगी, अब मैं खुद अपने हाथों से इस मनहूस को खत्म करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक रात रजिया चुपके से तुलसी के कमरे में जाती है और दबे पैर
तुलसी को उठाकर घर से निकल जाती है। यहाँ इन सब खबरों से अनजान जावेद और तुलसी आराम से सोए हुए थे। वे अगले ही पल गुड़िया को हाथ में लिए नदी के किनारे पहुँच जाती है। मेरी बेटी को खाने वाली डायन मनहूस, अब तू भी वहीं जा। ये बोलकर रजिया गुड़िया को नदी में फेंक देती है। तभी वही चुड़ैल गुड़िया को हाथ में लिए पानी से बाहर आती है। कौन है तू और क्यों बार बार इस मनहूस को बचा लेती है? जोखिनी, जोखिनी हूँ मैं। ये सुनकर रजिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी जोखिनी रजिया के शरीर से उसके सर को अलग कर देती है। जावेद और तुलसी भी गुड़िया को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। वो जब उस चुड़ैल के हाथ में अपनी बच्ची को देखते हैं, तो डर से उसका दिल दहल उठता है। देखो तुम जो कोई भी हो, मुझ पर रहम करो। तुमने जैसे मेरी प्यारी सासू माँ को मार दिया, मेरी इस मासूम बच्ची को कुछ मत करना। मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। तुलसी फूट फूट कर रोने लगती है। मैं यहाँ तुम्हारी बेटी को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आई हूँ, और पहले भी मैंने कई बार इसे बचाया है। उसके बाद चुड़ैल तुलसी को सब कुछ बताती है। मैं भी तुम्हारी तरह ही इस गांव के एक लड़के से स्कूल टाइम से ही प्यार करती थी, और फिर हम दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर चुपके से शादी कर ली। लेकिन कुछ सालों बाद मेरे ससुराल वालों ने धोखे से मेरी बच्ची को मार दिया। अपनी बच्ची के गम में मैंने भी आत्महत्या कर ली। तब से लेकर अब तक मैं इस पूरे गांव में जोखिनी बनकर घूम रही हूँ। अब जब भी कोई नवजात बच्चे या किसी के कोख को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मैं जोखिनी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर जोखिनी तुलसी को उसकी बच्ची देकर वहाँ से गायब हो जाती है। तुलसी अपनी बच्ची को लेकर खुशी के आंसू रोने लगती है। खतरनाक भूतिया गर्ल्स हॉस्टल। ज्योतिका अपने दोस्त राज को रात में अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आती है। तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट चली जाती है। ओ गॉड, इस लाइट को भी अभी जाना था। लाइट कटने के बाद अंधेरा और डरावना सा रूम लग रहा है। डरो मत ज्योतिका, मैं हूँ ना, मैं अभी कैंडल जला देता हूँ। जरा धीरे बोलो राज, इस हॉस्टल की वार्डन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर गलती से भी उसने तुम्हारी आवाज़ सुन ली ना, फिर तो हो ही गया। आज ही मेरा इस हॉस्टल में आखिरी दिन होगा। वो मुझे धक्के देकर इस हॉस्टल से बाहर कर देगी। तभी राज कैंडल जलाने लगता है। तभी कैंडल अपने आप ही बुझ जाती है और राज जोर से चिल्लाता है। राज, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस तरह से चीख कर पूरे हॉस्टल को उठाना चाहते हो क्या? ज्योतिका, वो उधर देखो, वो क्या है? ज्योतिका जब उधर देखती है तो डर के मारे उसके मुंह से भी एक चीख निकलती है। और अगले दिन ज्योतिका और राज की बॉडी हॉस्टल के सामने वाले कब्रिस्तान के पास बना एक पुराने कुएं के अंदर से मिलता है। इस घटना को पूरे एक साल हो गए थे। रामपुर गांव की रहने वाली कशिश अपने हाथ में अपना मार्कशीट लिए घर आती है और खुशी से अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा ये देखिए, मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। हाँ बेटा, मुझे हमेशा से तुम पर गर्व रहा है बेटा। मैं तुम्हें खूब पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली पापा। मेरा भी यही सपना है, और देखना मैं अब और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। हाँ बेटा, मैंने शहर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है, लेकिन एक दिक्कत है बेटा, तुम्हें वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं जी, मैं अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। कुछ ही दिनों की तो बात है माँ, उसके बाद तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। माँ पापा आप लोग चिंता मत करिए, मैं रह लूंगी। उसके बाद कशिश अपने पिता के साथ उस गर्ल्स हॉस्टल में आ जाती है और रूम का पता करने लगती है। और वो अपने वार्डन से कहती है, मेरा नाम कशिश है, मैं नई इस हॉस्टल में आई हूँ, क्या मुझे यहाँ कमरा मिलेगा? वार्डन कुछ देर रजिस्टर देखती है। देखिए,
अभी इस हॉस्टल में कोई भी कमरा खाली नहीं है। देखिए हम लोग बहुत दूर गांव से आए हैं, आप प्लीज आप अपने हॉस्टल में से एक कमरा दिला देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। कशिश के पिता के रिक्वेस्ट करने के बाद वार्डन फिर से रजिस्टर देखती है और कहती है, आपका रूम मिल गया है, ये लीजिए, ये आपके रूम की चाबी है, आपका रूम नंबर है कमरा नंबर 21। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, हॉस्टल में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कशिश अपने पापा से विदा लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकर उसके कान में कुछ कहा हो। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद ये मेरे मन का वहम होगा। तभी वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। कौन कौन हो तुम और तुमने इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? मेरा नाम जुलेखा है, तुम रूम नंबर 21 में जा रही हो ना? हाँ, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? वहाँ मत रहो, चली जाओ यहाँ से, वरना बेमौत मारी जाओगी। क्या क्या बकवास कर रही हो? आखिर तुम कौन हो और मुझे मेरे रूम में जाने से क्यों रोक रही हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बस मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके तुम इस रूम को छोड़कर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कशिश गुस्से में वहाँ से आगे चली जाती है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तभी कशिश अचानक से पीछे मुड़कर देखती है। सुनो एक मिनट, तभी वहाँ कोई भी नहीं होता है। अरे अचानक से ये कहाँ चली गई? उसके बाद कशिश अपने कमरे में चली जाती है। कशिश अपने रूम से निकलकर छत पर खड़ी थी, वहाँ से छत के सामने का कब्रिस्तान और पुराना कुआं साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसे उस कुएं के पास एक चुड़ैल दिखाई देती है, मगर अगले ही पल वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर कशिश काफी ज्यादा डर जाती है और वो हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। तभी उसके सामने फिर से जुलेखा आ जाती है और वो अजीब सी निगाहों से कशिश को बस घूरे जा रही थी। कशिश की तो मारे डर से हालत ही खराब हो जाती है। आखिर तुम कौन हो जो अचानक से मेरे सामने आ जाती हो और फिर गायब हो जाती हो? तभी जुलेखा वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो अभी अभी यहीं पर थी, फिर अचानक से ये कहाँ गायब हो गई? ओ गॉड, ये सब क्या चल रहा है इस हॉस्टल में? क्या ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है या फिर ये सब मेरे मन का एक वहम है? ओ गॉड, सर दर्द से फटा जा रहा है। कशिश अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी अचानक से उसके ऊपर छत से खून की बूंदें टपकने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये खून कहाँ से टपक रहा है? कशिश जैसे ही छत की तरफ देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। छत पर वही चुड़ैल चिपकी हुई थी। ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन हो तुम? तभी वो चुड़ैल अचानक उड़ते हुए कशिश के पास आकर खड़ी हो जाती है और खून भरी नजरों से गुस्से में कशिश की तरफ देखने लगती है। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती, ये सब बस मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं है। ये सब तेरे मन का वहम नहीं लड़की, बल्कि हकीकत है। कौन हो तुम? कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तभी वो चुड़ैल कशिश को हवा में उल्टा लटका देती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो, नीचे उतारो। तभी वो चुड़ैल कशिश को जोर से नीचे जमीन पर पटक देती है। तभी अचानक कशिश के कानों में हॉस्टल के वार्डन की आवाज आती है। कशिश, क्या तुम बहरी हो चुकी हो? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कशिश जैसे ही सामने देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, वो दौड़ कर वार्डन के पास जाती है। वो यहाँ कोई है यहाँ? देखो कशिश, घबराओ नहीं,
मुझे सच सच बताओ क्या हुआ। उसके बाद कशिश वार्डन को सारी घटनाओं के बारे में सब बता देती है। कशिश, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, ये सब बस हमारी आँखों का माया जाल है। हमेशा याद रखना, तुम जैसा सोचोगी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर तुम उससे डरकर उसे हकीकत समझने लगोगी तो वही तुम्हारी हकीकत होगी, लेकिन तुम अगर उसे अनदेखा करोगी तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज अब मुझे सच बताइए, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? कौन है वो जो बार बार मेरे सामने आकर मुझे डराती है? कशिश, तुम अभी सो जाओ। अगली सुबह कशिश फिर से वार्डन के पास जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती? आप मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं। जवाब दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कशिश, अपने रूम में जाओ। नहीं, मैं बिना आपसे अपने सवालों के जवाब लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज आपको बताना होगा आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। प्लीज आप सच बताइए, वरना मैं सबको जाकर सच्चाई बता दूंगी कि ये हॉस्टल लड़कियों के रहने के लायक नहीं है। रुक जाओ कशिश। कशिश, बहुत साल पहले यहाँ जुलेखा नाम की एक लड़की रहती थी और वो सामने वाले कब्रिस्तान में जाकर काला जादू किया करती थी। एक दिन इस हॉस्टल के पुराने वार्डन ने जुलेखा को अपनी आँखों से एक मासूम की बलि देते हुए देख लिया। जुलेखा उसकी बलि देने के बाद उसकी लाश को कब्रिस्तान से सटे कुएं में फेंक दिया करती थी। ये जानने के बाद गुस्से में आकर लोगों ने मिलकर जुलेखा को जिंदा जला दिया। क्या, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कशिश, इस बारे में हॉस्टल में कोई भी बात नहीं करता। कहते हैं जो कोई भी जुलेखा के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। वार्डन इतना कह ही रही थी कि तभी कशिश जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती है। कशिश, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह मुझे घूर क्यों रही हो? जब तुम्हें पता था कि जुलेखा के बारे में कोई बात नहीं करता, कि जुलेखा के बारे में जो कोई भी बात करता है वो जिंदा नहीं बचता, फिर तूने जुलेखा के बारे में हॉस्टल की इस नई लड़की से बात क्यों की? तभी कशिश एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी अब पुरानी वार्डन की तरह ही मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अच्छे से पता है ना, ये गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल नहीं बल्कि मौत का खतरनाक हॉस्टल है। उसके बाद वो चुड़ैल उस वार्डन को जान से मार देती है और कशिश के शरीर से निकलकर गायब हो जाती है। कशिश वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कब्रिस्तान के सामने वही चुड़ैल खड़ी है और सामने वार्डन की लाश पड़ी है। चुड़ैल उसी कुएं के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुझे समझाया था ना मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं चुड़ैल हूँ, लोगों को लगता है कि उसने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन बेवकूफ इतना भी नहीं जानते मैं इस हॉस्टल को छोड़कर कहीं गई नहीं, मेरी आत्मा तो इसी हॉस्टल के अंदर है। क्या, तुमने इस वार्डन को जान से मार दिया? वो इसलिए क्योंकि वो एक राज को राज नहीं रख पाई, इसलिए वो मारी गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुझे तो वैसे भी मरना ही है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना, मेरे रूम में रुकने की गलती मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। चुड़ैल जैसे ही कशिश पर हमला करने वाली होती है वैसे ही कशिश को वार्डन की एक बात याद आती है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तू सिर्फ एक छलावा है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है, तू मुझे क्या मारेगी, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? ये बोलकर कशिश तेज कदमों से वहाँ से भागते हुए निकल आती है। जुलेखा चाहकर भी कशिश को नहीं पकड़ पाती है और कशिश अपनी जान बचाकर उस खतरनाक गर्ल्स हॉस्टल से निकलकर हमेशा के लिए अपने माता पिता के पास लौट आती है।